बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप पर सलामती हो। इस दुआ के साथ मैं आपको ममा की दुनिया में वेलकम करती हूँ। आज जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कपड़ों में माया या कल्फ हम किस तरह दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रखा। बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। इस वीडियो के बाद कल्फ या माया देना आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए हमें कल्फ या माया चाहिए। एक सूट में तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें कल्फ या माया चाहिए। इसको हम नॉर्मल पानी में मिक्स करेंगे, जिस तरह हम कस्टर्ड को नॉर्मल दूध में मिक्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इस माया और कल्फ को भी नॉर्मल पानी में मिक्स करना है। बहुत ही आसान और इजी। आप भी घर में कल्फ दे सकते हैं। इसके बाद हमें इसे छानना है। गर्म पानी में हम इसे ऐड कर रहे हैं। छानने से जो कचरा वगैरह होता है वो हमारा हट जाता है। कपड़ों में बहुत बुरा लगता है। चम्मच से मुसलसल हम इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। आंच को मीडियम रखना, नीचे से हमारा ये लगे नहीं। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट ज़रूर पकाएं। कम पकाने से भी कपड़ों पे निशानात वाइट वाइट हो जाते हैं, इसलिए तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट ज़रूर पकाएं। पकाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब मैंने एक टब लिया, उसमें पानी लिया। एक सूट को हम एक साथ इसमें डिप करेंगे। अब मैं कल्फ या माया इस टब में ऐड कर रही हूँ, वो भी हमें छान के ही लेना है क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें एक लेयर सी आ जाती है जो कि कपड़ों पे बहुत ख़राब लगती है, इसलिए हमें इसे छान कर ऐड करना है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। देखें, छानने के बाद थोड़ी सी लेयर सी है जो कि हमारी छन्नी में आ गई है। ये कपड़ों पे बहुत ख़राब लगती है। अब हम पूरा सूट इसमें डिप करेंगे। शलवार या कमीज़ को अलग अलग डिप नहीं करना, इससे कल्फ में फ़र्क होता है, इसलिए दोनों सूट को साथ डिप करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे डिप करके रखें। कपड़ों को उल्टा करके इसमें कल्फ या माया दें। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे निचोड़ के हैंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मैंने निचोड़ लिया। अब हम इसे हैंग कर देंगे। इसी तरह हम तमाम सूटों को माया या कल्फ लगाएंगे। छान के यूज़ करने से इसकी जो लेयर होती है वो छन्नी में ही रह जाती है। आप इसे मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद
हम ये सूट इसमें डिप करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कलर वाले सूट में माया पकाते वक्त 1 टीस्पून सुहागा, जो कि आम पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, वो डालें। इसके डालने से आपके कलर जो ब्लैक सूट होते हैं ख़ास तौर पर, उन पर वाइट निशाना होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे। जितने सूट हों उतना इसमें माया हमें पकाना है। तकरीबन 1 सूट में हमें 2 टेबल स्पून पकाना है। मैंने तकरीबन 5 सूट लिए हैं तो 10 टेबल स्पून माया इसमें पकाया है। इसी तरह मैंने दूसरे सूट में भी माया या कर्फ लगा लिया। अब इसे भी हम हैंग कर देंगे। ये देखें, हैंग करने के बाद इस तरह हो जाते हैं। उल्टा करके सुखाएं, छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। वीडियो अच्छी लगे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।